हेलो एवरीवन। देखिए अब एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 9th का सेकंड पार्ट। देखो 9th के सेकंड पार्ट में आपको इस तरीके से ये गिवन है, ठीक है। तो जब भी ऐसे बड़ी बड़ी वैल्यूज रूट में हो, इनके फैक्टर ले लिया करो, ठीक है। तो फैक्टर देखो कैसे लेंगे। देखो रूट 24 है, 24 के लिए देखो क्या होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 एंड 1, ये हो गया। ऐसे 54 के भी ले लो। 54 के लेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, फिर 3 पे जाएगा ये, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3, और ये 1, ये बन गए, ठीक है। तो इनको लिखते हैं यहाँ। देखो रूट 24 के फैक्टर आए हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3, और डिवाइड में है 8, क्लियर। और प्लस 54 के क्या हैं हमारे पास रूट में, देखो ये हैं हमारे पास 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3, ये हैं। और डिवाइड में क्या है हमारे पास, इसमें 9 है, ठीक है। अब आपको बताया हुआ है जैसे पेयरिंग किया करो इसमें, रूट में पेयरिंग करेंगे तो 2 का ये पेयर बन रहा है, तो ये 2 का एक दो बाहर चला जाएगा ना, ये 2 कितनी बार है, 2 बार है ना यहाँ पर, तो ये जब बाहर जाएंगे तो 1 बन जाएगा। ये आपको पता है रूट में पेयरिंग करके बाहर जाते हैं नंबर्स, ठीक है। तो 2 इंटू 2 4 होता है, 4 का रूट भी आप ऐसे समझ सकते हो 2 होता है, नहीं तो पेयरिंग में आपको पता है ये चीज़, ठीक है। 2 है ये आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से सिंगल 2 बाहर, और अंदर क्या बचेगा, ये 3 और 2, 3 2 ज़ा 6, और डिवाइड में क्या आया है, 8 आया है, समझ रहे हो। प्लस में यहाँ से भी देखो पेयरिंग ये वाली जा सकती है बाहर, ठीक है। 3 के हैं यहाँ पर आपके पास 2, क्योंकि दो दो के पेयर देखने होते हैं, ठीक है। क्यूब रूट हो तो 3 के पेयर देखते हैं, स्क्वेयर रूट हो तो 2 के पेयर देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो 3 3 है हमारे पास, तो एक सिंगल 3 बाहर जाएगा, ठीक है। मतलब ये यहाँ पर पेयर है 3 और 3 का, इसके नाम का क्या हो रहा है, एक बाहर जा रहा है 3, ठीक है। और अंदर कितना बच गया हमारे पास, ये 3 2 ज़ा अगेन 6, और नीचे है 9, समझ रहे हो। फिर देखो ये 2 4 ज़ा 8 हो गया, और ये 3 3 ज़ा 9 हो गया, ठीक है। तो कितना वैल्यू बची हमारे पास, ये √6/4 प्लस √6/3, बताओ इतनी बात समझ में आ रही है नहीं, ठीक है। फिर तो सिंपल है, आप इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 12, 4 3 ज़ा 3 × √6 3√6 प्लस 3 4 ज़ा 12, और 4 × √6 4√6। तो अभी देखो क्या ऐड हो सकते हैं, हो सकते हैं, रूट सिक्स है इधर भी, रूट सिक्स है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये ऐड हो सकते हैं, नहीं तो क्या किया करो, मैंने आपको बताया रूट सिक्स कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा 3 प्लस 4 तो 7 आ जाएगा, तो 7 √6। नहीं तो आप ध्यान से अगर देखो तो रूट सिक्स है, रूट सिक्स है, ऐड हो सकते हैं, तो यानी कि 3 प्लस 4 कितना, 7 √6 आ सकता है, और अपॉन में 12, ये इसका आंसर आया। समझ में कैसे किया है, ठीक है। तो सिंपल है क्वेश्चन, तो इनको अच्छे से करो आप लोग, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।